भाई हैं हमारे, हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने उस दिन जामिया में पहली स्पीच में कही थी कि नीतीश कुमार डीएनए के सवाल पर बिहार से वोट ले लिए मोदी जी, आप एक काम करिए, आप इस भारत के 130 करोड़ लोगों का कागज छोड़ दीजिए और डीएनए टेस्ट करा लीजिए कि कौन भारत के हैं और कौन भारत के नहीं है, इससे पता चल जाएगा। आपको बहुत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाहीन बाग में हम गए पहले दिन धरना में, मंच से उतरे, एक मासूम बच्ची मेरे पास आई और आके हमसे सिर्फ एक सवाल की, मैंने उसके वीडियो को वायरल किया कि पप्पू अंकल क्या मैं अपने वालिद, क्या मैं अपनी अम्मी और अपने भाई से बिछड़ जाऊंगी। सोचिएगा, मेरे ही घर की एक खून मासूम बेटी अपने ही वतन में, अपने घर में, अपने अपनों से पूछती हो क्या मैं बिछड़ जाऊंगा, क्या बीता होगा पप्पू यादव। तीसरे बार शाहीन बाग हम गए, मत पर स्पीच दे रहे थे, तीन माँ दादी माँ आई, मेरा गला चूमी, हमें एक उजला कपड़ा दिया, गले लगी और दो सवाल किए, बेटा पप्पू तुम हमें बचा लेना, मैं चाहती हूं कि मैं अपने ही वतन में जनाजा में जाऊं और अपनों और तुम लोगों से मैं अब दूर नहीं जाना चाहता। अब सोचिएगा यह सवाल, सोचिएगा उस दिन जिस दिन रात के 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जामिया, अरे भैया एकदम से बंद कर दिए, बैठा दीजिए, बताइए, जामिया से मैडम हम लोग बैठे हुए थे रूम में, खबर आई कि जामिया में गोली चल रही है। मोदी साहब, आपको पड़ोस की महिलाओं की बहुत चिंता है, पहले अपने घर की महिला की चिंता कीजिए, फिर आइएगा पड़ोस की महिलाओं की। और आपको चिंता ही है, आपने तीन तलाक के लिए चीख चीख के कहा, रविशंकर जी पार्लियामेंट में चीख चीख के कह रहे थे कि कैसी आप लोग महिलाएं हैं, हर साल 500 महिलाओं का तलाक हो रहा है और आप कहते हैं बिल गलत है, हम आज भी कहते हैं ये बिल गलत है, क्योंकि कुरान भी कहते हैं वो तीन तलाक अवैध है, जानने वाले कुरान को भी कहते हैं गलत है। लेकिन मोदी शादी आप ये बताए, हर मिनट हमारी बच्चों का बलात्कार हो रहा है, वो हिंदू भी है मुसलमान भी है, उसके लिए आपने इतनी पीड़ा दिखाई, तैयार है ना पाकिस्तान तैयार है ना अफगानिस्तान तैयार है, तो वो लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। ये है आपका डिटेंशन सेंटर। मोदी शाह को हम महिलाओं की बहुत चिंता होती है, वो पीड़ा उनकी मुझे तीन तलाक में दिखी थी, बहुत पीड़ा थी उनको, इतनी पीड़ा थी, इतनी पीड़ा है, मान और शान को और संविधान को दांव पे नहीं लगाता है, आपने संविधान को दांव में लगाया है और मुझे नहीं लगता कि आप सत्ता के लिए कर रहे हैं। मुझे शक है, एक नागरिक के नाते शक है और मेरा हक है आपसे सवाल पूछना, मुझे शक है मोदी शादी, क्या आप विदेशी ताकतों से मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जिसके कारण आप एमएसपी और सीए और एनपीआर जैसी बातें कर रहे हैं, देश महंगाई को झेल रहा है, देश बेरोजगारी को झेल रहा है, देश। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।